अगर देखिए आपको इस टाइप क्वेश्चन मिलता है, x प्लस 5y का होल क्यूब का प्रसार कीजिए, जो कि मिलता है आपको, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे बेसिक लेवल से देखते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन क्या है, ए x प्लस 5 का होल क्यूब, तो याद रखिए इसमें पहले फार्मूला कौन सा लगाना, तो इसमें लगाना है a प्लस बी का होल क्यूब। तो हम इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab। अब कोष्टक में होता है a प्लस बी, ये फार्मूला होता है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। अब देखिए हम अगर ये जो एक इसको हम a मानते हैं, इसको हम a मानते हैं और इसको भी मानते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहां पे कि नहीं, यहां पे देखिए a बराबर क्या कर लीजिए, ठीक है, x है तो x कर लीजिए, यहां मान लिख दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब b बराबर देखो क्या है, 5y, तो 5y लिख दो, यहां मैंने तीर मार दिया, a बराबर 5y, सॉरी a बराबर x और b बराबर 5y, तो देखो a प्लस बी के होल क्यूब पे है। अब देखिए ये हमको सॉल्व करना है, अब ये है a क्यूब, तो a का मान कितना, x, तो x का क्यूब कर दो, कोई दिक्कत, प्लस है तो प्लस कर दो, v बराबर 5y, तो b का क्यूब है, क्यूब है तो 5y का क्यूब कर दो, इस तरीके से कोई दिक्कत, प्लस देखो 3 है तो 3 कर दो, बीच में गुणे का चिन्ह छुपा था, a का मान कितना है x, तो x लिख दो, b का मान कितना है 5y, तो 5y लिख दो, इस तरीके से, ठीक है। अब कोष्टक में a प्लस b है, तो a का मान कितना है बाबू, x है तो x लिख लो, प्लस, ठीक है, b का मान कितना 5y, तो 5y लिख लो, इस तरीके से कोई दिक्कत, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं बता रहा हूं। अब देखो x क्यूब का मतलब तो x क्यूब ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, x क्यूब का मतलब x क्यूब होगा। अब 5y का क्यूब, अब देखिए 5y का क्यूब, अब 5y का मतलब तीन बार गुणा करना है, 5y गुणे 5y और गुणे 5y, तो पचवा 25 हो गया, और y का तीन बार गुणा होगा तो y क्यूब हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो, 125 y क्यूब हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए ये कितना 3 है और ये 5 है, पहले नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 और 5 कितना होता है 15 लिख देते हैं, और ये एक्स वाई बचा, तो एक्स वाई को हम लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो कोष्टक में बचता है, इस कोष्टक में हम लिख देंगे एक्स प्लस 5y, कोई दिक्कत, बिल्कुल भी नहीं दिक्कत। अब देखिए अब एक चीज आपको और करना पड़ेगा, अब इसको लिखिए एक्स क्यूब, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब यहां भी ये उतर जाएगा सेम, ठीक है, यहां बिल्कुल भी कुछ नहीं करना आपको। अब ये जो संख्या है 15xy में x प्लस 5y का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो देखिए तो अगर हम इसका इसमें गुणा करते हैं, चलो x कितना 15xy का गुणा किसमें करें, हम x में करेंगे, इसका गुणा पहले इसमें x में होगा, x में करिए, तो नंबर कोई नहीं है तो नंबर तो 15 का 15 उतर जाएगा। अब देखो x 2x हो गया, तो x स्क्वायर हो गया और y हो गया, तो 15x, ठीक है। अब देखो x में x का गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और y है तो y लिख दीजिए, अब बीस में प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर लीजिए। अब देखिए अब इसका गुणा इसमें करिए, 15 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 × 5 = 75, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x नहीं है तो x लिख लीजिए, और y 2 है तो y स्क्वायर हो गया, बस इस तरीके से सवाल मिले तो यही आंसर हो गया, ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे।